इकरा चौधरी का संसद में भाषण, हिंदू भक्तों के लिए क्या मांग की। समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा चौधरी ने संसद के मानसून सत्र में अपने पहले भाषण में कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए जो उनके निर्वाचन क्षेत्र कैराना से संबंधित है। उनके इस भाषण की चर्चा हर तरफ हो रही है। इकरा चौधरी ने सबसे पहले अपने क्षेत्र की रेलवे से जुड़ी समस्याओं को उठाया। उन्होंने पानीपत कैराना और मेरठ रेल मार्ग का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इन रूट्स का सर्वे कई बार कराया जा चुका है लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि यह हरियाणा और उत्तर प्रदेश को सीधा जोड़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इकरा चौधरी ने अपने भाषण में आगे कहा कि हरियाणा और यूपी को जोड़ने के अलावा शामली से प्रयागराज और शामली से वैष्णो देवी तक नई ट्रेनों का चलाना बहुत जरूरी है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रयागराज में हाई कोर्ट होने और वैष्णो देवी हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल होने की वजह से इन स्थानों तक सीधी कनेक्टिविटी आवश्यक है। इकरा चौधरी ने दिल्ली शामली सहारनपुर रेल मार्ग पर स्थित जंधेरी फाटक और रामपुर फाटक पर रेलवे पुलों के निर्माण की मांग की। उन्होंने बताया कि इन पुलों का निर्माण काफी समय से लटका हुआ है और इसे जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। इकरा चौधरी ने अपने भाषण में हिंदू भक्तों के लिए विशेष रूप से प्रयागराज और वैष्णो देवी तक सीधी ट्रेन की मांग की जिससे वहां आने जाने वाले तीर्थयात्रियों को सुविधा हो सके। उनके इस कदम की सराहना हर ओर हो रही है क्योंकि उन्होंने अपने क्षेत्र के साथ साथ धर्म और आस्था के महत्व को भी समझते हुए एक सार्थक मांग की है।